फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हो सिस्टी के टिवाडिया चैनल। तो देखिए मैं आपको अपना क्रिजेंथमम प्लांट दिखा रही हूँ। होप करती हूँ उसका वीडियो आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो आ जाएगा चैनल पर। इसकी रिपोर्टिंग का वीडियो मैंने शेयर किया और उसके बाद देखिए इसकी कंडीशन अच्छी है। और सबसे महंगा मेरे गार्डन का प्लांट जिसकी रिपोर्टिंग अभी तक मैं नहीं कर पाई हूँ, टाइम की कमी होने के कारण मैं इसकी रिपोर्टिंग नहीं कर पाई हूँ। तो फ्रेंड्स आप भी विंटर गार्डन के जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है ले लीजिए। अगर आपको नहीं पता है कि मुझे कौन से प्लांट लेने चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँगी। तो देखिए मैं अपना कोई साथ दिखा रही हूँ। इसकी ग्रोथ बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हो रही है और मेरे गार्डन में ना अभी एक बटरफ्लाई आई थी, मैं इसको शूट करने के लिए जैसे ही मैंने कैमरा उठाया वो गायब हो गई। और यहाँ पर देखिए आपको मैं दिखाती हूँ अपने गोरी चोरी का प्लांट, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती हुई, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती हुई। आपको भी अगर ऐसा ही लगता हो मेरे चैनल पर प्लीज़ शॉर्ट देखा कीजिए, उस पर मैं हमेशा ही इसका वीडियो अपलोड करती हूँ और आप देखा कर उस पर हमेशा ही फ्लावरिंग होती है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिस पर रिस्पॉन्स बहुत ही बेकार आया है, प्लीज़ देखिए उस वीडियो को जाकर। मैंने उसमें दिखाया है कि मेरे पास एक ऐसा प्लांट है जो ना सिर्फ विंटर में ही फ्लावरिंग करता है, और हालांकि ये परमानेंट प्लांट है। परमानेंट प्लांट का मतलब क्या होता है, जो समर में फ्लावरिंग करता है। बट ये प्लांट मेरा फेवरेट प्लांट है, बचपन की यादें इस प्लांट के साथ जुड़ी हुई हैं। बट ये देखिए बिल्कुल मैं रेयर बोलूँगी, वैसे ये जंगली पौधा है पर पता नहीं क्यों पिछले 5 सालों से ये सिर्फ विंटर में मेरे गार्डन में फ्लावरिंग करता है। आप सब ने इसे अपना प्यार नहीं दिया, प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, चैनल पर जाकर इस पर अपना प्यार दीजिए क्योंकि ये मेरा फेवरेट प्लांट है। और देखो क्या मैंने इसकी केयर टिप्स की थी, क्या मैंने इसमें खाद वगैरह ऐड की थी, वो ज़रूर देखना। जितनी भी टिप है उस पर धीरे धीरे करके फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए खाद वगैरह मैंने इसमें ऐड कर दी थी और मैं दिखाऊँ आपको यहाँ से, आई थिंक आपको दिख गया, यहाँ से मैंने एक कटिंग भी इसकी ग्रो कर दी है। क्योंकि देखिए जिस प्लांट पर जिस टाइम ग्रोथ दिखे या जिस टाइम उस पर फ्लावरिंग दिखे इसका मतलब होता है कि उसका ग्रोइंग पीरियड ये है। तो आप उसकी कटिंग ग्रो करोगे ना तो आपको ज़रूर दिखेगी। मैं इसकी ऊपर से ब्रांच निकाल कर आपको दिखाती हूँ, सबसे लंबी ब्रांच है ये देखो, दिखा ना आपको। तो ये है मेरा फेवरेट प्लांट बोगनविलिया, आप इसको ज़रूर देखना इस वीडियो को। तो चलिए अब आज मैं आपको अपना एक जो समर का ही प्लांट है उसकी केयर टिप्स बताती हूँ। तो देखो जी मैं लगभग मुझे 2 घंटे हो गए टेरेस पर आए हुए और हस्बैंड बहुत सारे प्लांट मेरे लिए लाए थे, मैंने उन सब की रिपोर्टिंग की है और कुछ प्लांट के वीडियो मैंने शूट किए हैं और कुछ के नहीं किए हैं, ठीक है। तो आपको अगर किसी भी प्लांट का वीडियो नहीं पता है या फिर केयर टिप्स नहीं पता है कि कैसे क्या करना चाहिए तो कमेंट कर देना। तो ये है देखिए मारीगोल्ड, मारीगोल्ड में भी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। और ये जो प्लांट है मेरे पास इसका नाम है जाफरी, ठीक है। इसमें भी अलग अलग कलर के फ्लावरिंग प्लांट आते हैं, कोई बिल्कुल येल्लो कलर का आता है, कोई ये थोड़ा रेडिश टाइप का है, डबल सेडिंग में आता है येल्लो, मतलब बिल्कुल इस तरह का, ठीक है। बहुत अलग अलग तरह के मारीगोल्ड में भी प्लांट आते हैं। आप इसको चाहो तो सीड से ग्रो कर सकते हो, चाहो तो प्लांट लेकर लगा लो, चाहे तो कटिंग से ग्रो कर लो, ठीक है। तो मेरे पास अभी ये 2 से 3 प्लांट ही आए हैं जिनको मैंने रिपोर्ट कर दिया है और एक का वीडियो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो परमानेंट प्लांट है ये, और जो मारीगोल्ड होता है वो सिर्फ विंटर का होता है। तो केयर और टिप्स थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है, ज़्यादा अलग नहीं होती है। तो इसके लिए मिट्टी का रेशियो मैं आपको बताऊं, 40 से 45% आप नॉर्मल सॉइल लेना और 30% के करीब उसमें रिवर सैंड मिलाना और बाकी हिस्सा जो बचा उसमें खाद मिला लेना। क्योंकि ये परमानेंट प्लांट है तो आप इसको पूरे दिन की धूप दे सकते हो। तो खाद आप इसमें वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट, किचन वेस्ट जो आपके पास अवेलेबल हो वो डालना। तो पॉट साइज़ आप देख लो, यहाँ पर मैंने लिया है 8 इंच का पॉट क्योंकि मेरा प्लांट जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। जितना बड़ा आपका प्लांट हो उतना बड़ा ही पॉट आपको लेना चाहिए। यहाँ इसके बॉटम होल मैंने कवर करके ऊपर से मिट्टी थोड़ी सी डाल दी है और मेरा ये जो प्लांट है इसको इसमें सेट करके देखते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब हम इसे सेट करेंगे ना तो कम से कम इसकी जो मिट्टी की लेयर हम डालेंगे ना वो इतनी ऊपर हो तो ठीक है। ये ज़रूर आप ध्यान रखा कीजिए अपने पॉट में लगाने से पहले इस तरह से रख कर आप देख लिया कीजिए। तो जैसा कि मारी गोल्ड की मैं बताऊँ, ये इस प्लांट पर बहुत सारे एफिड अटैक होता है, तो इसके लिए नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना। 15 दिन में एक बार करोगे तो भी चलेगा, महीने में एक बार करोगे तो भी चलेगा। बट अगर ज़्यादा एफिड का अटैक है या ज़्यादा चिपचिपे मिलीबग टाइप के वाइट वाइट से जो होते हैं मेरे गार्डन में वही लगते हैं, इसके अलावा कुछ खास नहीं लगता है, तो उसके लिए आप हर ऑल्टरनेट डे पर भी स्प्रे कर सकते हो। स्प्रे से मुझे याद आया कि इस वाले प्लांट को या कोई भी प्लांट को स्प्रे बहुत ज़्यादा पसंद होता है। आप सिंपल वाटर से इसको नहला सकते हो,
बट जब इस तरह की कलियां बने तभी नहला सकते हो, बट जब इस पर फ्लावर खिल जाए तब आपको ध्यान रखना है, फ्लावर पे आपका कोई भी पानी की बूंदें नहीं जानी चाहिए, चाहे आप इसको सावरिंग कर रहे हो या कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र स्प्रे कर रहे हो, जैसे कि हमारा एंजाइम हो गया या हमारा नीम ऑयल हो गया या पेस्टिसाइड हो गया या हमारा फंगी पाउडर हो गया, जिस भी चीज़ की आप इस पर स्प्रे करोगे आपको ध्यान रखना है कि वो सभी जगह जाए बट फ्लावर को टच ना करे, अगर फ्लावर खिला है तो। अगर फ्लावर नहीं खिला, जैसे कि अभी इसके फ्लावर नहीं खिले, तो इस टाइम पर मैं इस पर कुछ भी स्प्रे कर सकती हूँ, हल्दी का भी बना सकते हो, एलोवेरा का भी बना सकते हो, एंजाइम का बना सकते हो, लिक्विड फर्टिलाइज़र या आप एप्सम सॉल्ट का बना सकते हो। एप्सम सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो प्लांट तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है, उसका रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलता है। अभी कुछ दिन में मैं एक वीडियो शेयर करूंगी जिसमें मैं एक ऐसा सुपर खाद बताऊंगी, लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो प्लांट पर इंस्टेंट ग्रोथ दिखाएगा और आपको रिजल्ट बहुत अच्छे देगा, ठीक है। तो प्लांट को मैं इसमें सेट कर लेती हूँ। खाद मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन से खाद मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी खाद डाल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिया है अपना चाय की पत्ती, किचन वेस्ट की, हल्दी, नीम की खली, ये मेरा किचन वेस्ट है, और थोड़ा सा मुझे मिल गया है यहाँ पर पोटाश, और पोटाश के बाद यहाँ पर ये जो वाइट वाइट रखा है ये है हमारा एप्सम सॉल्ट। तो ये सारी चीज़ें आप इस पर स्प्रे करोगे, पोटाश का स्प्रे कर सकते हो आप, एप्सम सॉल्ट का कर सकते हो, ये एप्सम सॉल्ट है और ये हमारा फंगी पाउडर है जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, और ये मैंने एंजाइम बना कर रखा है पिछले एक साल से, पूरा एक साल हो गया है, ये लास्ट ईयर मैंने 18 तारीख को 10 मंथ था जब मैंने बनाया था इसको, तो पूरा एक साल हो गया है, और क्योंकि बहुत सारे एंजाइम बनाती रहती हूँ तो जो आगे दिखता है उसको स्प्रे कर देती हूँ या फर्टिलाइज़र के तौर पर मिक्स करके मिट्टी में डाल देती हूँ। इसका नंबर अभी तक नहीं आया तो आज इसी का नंबर है। तो चलिए इसको मैं इसमें डालकर मिक्स करके और अपना प्लांट सेट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, प्लांट को मैंने बहुत अच्छी तरीके से सेट कर दिया है, और इसके बाद देखिए वाटरिंग करेंगे। वाटरिंग आपको लिमिटेड करनी है, यहाँ पर मैं एंजाइम डाल रही हूँ इसमें, ये देखिए ज़्यादा नहीं लेना है, और आपको जब फर्स्ट टाइम वाटरिंग करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से करनी है, इतनी अच्छी तरीके से कि वाटर जो है वो नीचे का बॉटम होल जो होता है वहाँ से निकल कर आना चाहिए, इतनी अच्छी वाटरिंग करनी है। सेकंड टाइम वाटरिंग कब करोगे, जब इसमें से आपको ऊपर की लेयर बिल्कुल फटी फटी सी दिखे कि बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से सूख गया है, तभी आपको इसमें वाटरिंग करनी है, चाहे वो एक दिन बाद होता हो चाहे दो दिन बाद होता हो, ठीक है। रोज़ वाटरिंग करने से प्लांट की रूट जो है वो गल कर ख़राब हो जाती हैं, इसलिए ध्यान रखना है पॉट की मिट्टी सूखे तभी वाटरिंग करनी है। जिस दिन हम इसको रिपोर्ट करेंगे उससे लगभग 3 से 4 दिन के लिए आप इसको स्टेडी एरिया में रखना, सनलाइट इसको टच ना करे, बस इतना सा ध्यान रखना है, और जैसे ही हमारा प्लांट सेट हो जाएगा फिर आपको कहीं भी रखिए, परमानेंट प्लांट है, धूप इसको बहुत अच्छी लगती है। होप करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ गई हो, फिर भी आपको लगता है कि मैं कुछ बताना भूल गई हूँ तो प्लीज़ मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैप्पी गार्डनिंग।